राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। वर्षों से झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवार प्रशासन से मदद की दरकार। राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कमार परिवार के लिए विशेष योजना चलाकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर कमार विकास प्राधिकरण को करोड़ों रुपए का आवंटन दे रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ये योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है या केवल फाइल में ही उन योजनाओं को चलाकर विभागीय अधिकारी अपना फर्ज निभा रहे हैं, जिससे उन जाति के लोग निराश होकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम कोसमी पंचायत के अंतर्गत वर्षों से निवासरत 52 वर्षीय कमार परिवार, जिसमें बंसीलाल और उसकी पत्नी जो पैरा प्लास्टिक की झिल्ली और पेड़ की डंगाली से बने खदर के झोपड़ी नुमा मकान में पिछले 4-5 वर्षों से निवास कर रहे हैं। वे 5 वर्ष पहले कोसमी ग्राम में ही अपने साले के मकान में रहा करते थे। उसी दौरान उनका साला अपने मकान को किसी के पास बेच दिया, जिससे वे बेघर हो गए हैं। वहीं गांव के ही अंतिम छोर में पैरा लकड़ी कपड़ा से बने झोपड़ी में रह रहे हैं। गौरतलब है कि ये झोपड़ी को कभी मवेशी पैरा खाने की लालच में गिरा देते हैं तो कभी हल्की आंधी तूफान से उनका यह झोपड़ी ढह जाता है, जिसे पुनः सुधार कर वे उसी झोपड़ी में गुजर बसर करते हैं। इस गरीब दंपत्ति को शासन प्रशासन की मदद का इंतजार है। तो सारा के घर में फिर नलवा तो सारा के मकान कहीं छोड़ो मैंने सब लेकी कोना जगह तेरा सब ला कोना हमारा सारा तो ओकर बाद यहाँ हो तुम हाँ यहाँ के साल हो गए रहा तो 5-1 साल होते हाँ काना है तोर बंसीलाल। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।